दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने घर पर गमले में जुकिनी कैसे उगा सकते हैं। जुकिनी जो कि एक कद्दूवर्गीय सब्जी है और इसका इस्तेमाल अब इंडिया में काफ़ी ज़्यादा होने लगा है, और एक अच्छी बात यह है कि इसे आप अपने घर पर खुद से ही ग्रो बैग या गमले में उगा सकते हैं। आप सामने देख रहे हैं ये हमारी जुकिनी लगी हुई है, और मैं आपको बता दूँ कि जुकिनी जो है वह तीन तरह से आपको मिलेगी। एक जो जुकिनी होती है वह डार्क ग्रीन कलर की होती है, दूसरी जुकिनी होती है लाइट ग्रीन कलर, और तीसरे टाइप की जुकिनी होती है येलो मतलब पीली कलर की जुकिनी। तो आज मैं आपको तीनों तरह की जुकिनी कैसे उगाएं, इसके बीज आपको कहां से मिलेंगे, बीजों को लेकर इनको लगाने का सही तरीका क्या है, जुकिनी के पौधे को किस साइज के ग्रो बैग में लगाना होता है, मिट्टी कैसे बनाएं और कैसे इसकी केयर करें, हैंड पॉलिनेशन कैसे करें ताकि आपको मेरी तरह इतना अच्छा रिजल्ट मिले और आप खुद की जुकिनी हार्वेस्ट कर पाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए जानते हैं आज की घर पर जुकिनी कैसे उगाई जाती है। जुकिनी को जब भी आप उगाएं तो इसके लिए आपको गर्म माहौल लेना होगा, मतलब कि यह गर्मी में होने वाली फसल है। इसके लिए जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वह 20 से 30 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप इस टेम्परेचर के बीच में जुकिनी के पौधों को ग्रो करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप 15 डिग्री सेल्सियस से इसके बीज लगाना शुरू कर सकते हैं, मतलब शुरुआती जब गर्मियाँ शुरू हों जैसे ही जनवरी के महीने से, तब से आप इसके बीज लगाना शुरू करें। फरवरी मार्च तक आप इसके बीज लगा सकते हैं, और जुकिनी के जो बीज हैं वह दोनों तरह से लगाए जा सकते हैं। पहले इसके आप पौधे बना सकते हैं और फिर बाद में डायरेक्ट इन पौधों को ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट ही बीज को ग्रो बैग में लगा सकते हैं। दोनों मेथड कारगर हैं, मैंने दोनों मेथड ट्राई किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जुकिनी को किस तरह की मिट्टी चाहिए होती है। तो जुकिनी का जो पौधा है वह बेल ड्रेन सॉइल पसंद करता है, मतलब ऐसी मिट्टी जिसमें पानी ना रुके, साथ में इसमें नमी हमेशा बनी रहनी चाहिए। इसके पौधे को नमी बहुत पसंद है, तो साथ में इसके जो पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की डिमांड करते हैं क्योंकि साइज बहुत बड़ा होता है, और जुकिनी की जो फसल है वह लगभग 50 से 60 दिन में ही तैयार हो जाती है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए जब भी आप मिट्टी बनाएं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंपोस्ट खाद मिलानी है, जिसमें वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, इस तरह की खाद लेनी है। और गमले की मिट्टी कैसे बनाएं इस पर मेरा पूरा वीडियो अपलोड है, आपके राइट साइड पर आई बटन शो हो रहा होगा, वहाँ पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने गमले की मिट्टी बनाने का पूरा तरीका बताया, साथ में उसमें कौन से ऑर्गेनिक खाद मिलाने हैं वह भी मैंने बताया है। तो अच्छी वेल ड्रेन और पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी बना लीजिए। मिट्टी बनाने के लिए बाद इस मिट्टी को आपको भरना है एक ऐसे ग्रो बैग या गमले में जिसकी साइज 15x15 इंच हो। जैसे कि आप ये सामने देख रहे हैं, देखिए ये जो आप ग्रो बैग देख रहे हैं ये 15x15 इंच का है, और इसमें जुकिनी के पौधे लगे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमें रिजल्ट मिला है। तो साइज थोड़ा सा बड़ा लें, एक ग्रो बैग में एक जुकिनी का पौधा लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैंने एक भी लगाया है और यहाँ पे दो पौधे हैं। दोनों पौधे में प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे अब आप देख रहे हैं ये जुकिनी इस दूसरे पौधे के ऊपर रखी हुई है, तो इससे क्या है दूसरा पौधा कमज़ोर हो गया है। तो एक पौधे ग्रो बैग में एक ही पौधा लगाएं और दूसरे ग्रो बैग में दूसरा, या फिर आप इन्हें दूर दूर लगाएं, कम से कम 1.5 से 2 फीट की दूरी पर एक से दूसरा पौधा हो तो जुकिनी अच्छा रिजल्ट देती है, क्योंकि इसके जो पत्ते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पेस में इसे फैलते हैं, तो इसे काफ़ी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। अब आपने ग्रो बैग ले लिया, मिट्टी भर ली, अब बारी आती है जुकिनी के बीज लगाने की। तो जुकिनी के बीज आपको, ये जो जुकिनी आप देख रहे हैं, जुकिनी येलो, जुकिनी लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, इसके बीज आपको मिलेंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। वहाँ से आप हाइब्रिड जुकिनी के बीज खरीद सकते हैं, और इन बीजों को ख़रीदने के बाद इन्हें लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं जो यूज़ करता हूँ मेथड, तो पहले मैं इन्हें छोटे थर्माफोम पॉट में लगाता हूँ बीज को, और जब उसमें से पौधे बन जाते हैं तो बड़े ग्रो बैग में लगा देता हूँ। आप सीडलिंग ट्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं उस थर्माफोम पॉट की जगह। तो चलिए जल्दी से बीज लगाने का तरीका समझ लेते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये जुकिनी लाइट ग्रीन के बीज हैं, तो इन्हें मैं आज लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इस पैकेट को खोल लेते हैं,
और इस पैकेट में हमें मिलेंगे इस तरह से बीज, ये देखिए। और ये मैंने जो है थर्माफोम पॉट ले लिया है, इसमें नॉर्मल जो हमारे गमले की मिट्टी है उसी मिट्टी को हमने भर लिया है। और ये देखिए कुछ इस तरह से बीज मिलेंगे। तो एक पॉट में हम 3 दानों को लगाने वाले हैं और बाद में इसमें केवल एक हम पौधा रखेंगे। अब लगाना कितनी गहराई पर है, तो लगभग 1/2 इंच की गहराई पर इसे लगाना है। ध्यान से देखिएगा, ये जो सीड है इसको हमें इतनी गहराई पर लगाना है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए लगभग 1/2 इंच की गहराई पर इसे लगाना है। और इस तरह से हम इसमें दे देंगे, मिट्टी से ही इन्हें ढक देंगे। और मिट्टी से ढकने के बाद हम दे देंगे इसमें पानी। अब पानी कैसे देना है, तो किसी भी वाटरिंग कैन की मदद से आप इस तरह से पानी दे सकते हैं। थोड़ी देर में ही ये पानी नीचे चला जाएगा। और ध्यान रखना है कि अब जो ये पानी है इससे ये जो हमारा गमले की मिट्टी है वो पूरी तरह से गीली होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। और इसे आप रख दें सेमी सेड एरिया में। सेमी सेड एरिया में रखने के बाद 7 से 10 दिन में जुकनी के जो बीज हैं वो जर्मिनेट हो जाएंगे। डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या है आपके एरिया में। और फिर इसमें से छोटे छोटे पौधे निकलते हुए आपको दिखेंगे। जब पौधे लगभग 4 इंच के हो जाएं तो आप इन्हें बड़े ग्रो बैग में लगा दीजिएगा। ये हमारे जुकनी के पौधे हैं, ये जो सामने देख रहे हैं येलो जुकनी के पौधे हैं जो हमने सीडलिंग ट्रे में बना लिए हैं। और इन्हें मैं आज लगाने वाला हूँ इन ग्रो बैग में। तो देखिए कैसे मैं इन्हें लगाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो जुकनी के पौधे हैं इनको इस ट्रे से निकालना है। अब निकालना कैसे है, तो आपको इस तरह से पीछे से यहाँ पर थोड़ा सा इसे आपको दबाना है। जैसे ही आप इसे दबाओगे तो ये हल्के हाथों से आप इसे इस तरह से खींचना है आपको, तो ये आपको बाहर आके मिल जाएगा इस तरह से। ये देखिए आप देख रहे हैं कितना अच्छा ये जो है रूट बॉल बनी हुई है। ये जुकनी का पौधा है और ये रूट यहाँ पर बनी हुई है। अब लगाने का तरीका मैं आपको बता दूं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जगह बनानी है इतनी कि ये रूट बॉल यहाँ पर आ जाए, ठीक है। और यहाँ से हम इसे बड़े ही आराम से इस तरीके से रख देंगे। और इसके ऊपर ही हमें डाल देनी है मिट्टी, जो हमारी नॉर्मल सॉइल है इस ग्रो बैग की, उसी को हम डाल देंगे। थोड़ा सा हम दबाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है। और ये आपका लग गया पौधा। और अब आप इसमें दे सकते हैं पानी। तो पानी कैसे देना है, ये मिट्टी को थोड़ा हम साइड में कर देते हैं। पानी आपको ऊपर से इस तरीके से देना है, हल्के फुहार के तौर पर देंगे। और पानी इतना दे देंगे कि हमारी जो इस ग्रो बैग की मिट्टी है वो पूरी मिट्टी गीली हो जाए। और ये हमने दे दिया पानी और ये हमने जुकनी हमारी लगा दी है। और ऐसे ही अब हम ये जो 2 ग्रो बैग देख रहे हैं इसमें भी जुकनी लगा देंगे। अब आपने बीज लगा लिए हैं, बीज लगाने के बाद पौधे उग गए हैं। पौधों को हमने इस तरह से बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दिया है। जब हम पौधों को बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसके बाद जुकनी को रखना होता है फुल सनलाइट में। यह जो पौधा है वो 6 से 8 घंटे की सनलाइट की डिमांड करता है। मतलब जुकनी की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको 8 से 10 घंटे की सनलाइट इसे देनी होगी। मिनिमम अगर मैं बोलूं तो 6 घंटे की लाइट आना बहुत ज़रूरी है। तो इसे ऐसे जगह पर रखें अपने छत की या बालकनी की जहाँ पर दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा समय धूप आती हो। अच्छी धूप मिलेगी, समय समय पर आप पानी देंगे तो ग्रोथ अच्छी होगी। 15 से 20 दिन में एक बार आपको इसमें खाद देना होगा। खाद में बर्मी कंपोस्ट, बोन मील, मस्टर्ड केक, नीम खली, इस तरह की खाद आप दे सकते हैं। आप देखेंगे कि लगभग लगाने के 45 दिन बाद इसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं। अब जुकनी में जो है मेल और फीमेल फूल एक साथ आते हैं। एक ही पौधे पर मेल और फीमेल फूल होते हैं, तो मैं आपको दिखा दूं कि फर्क क्या होता है। तो आप जो ये सामने देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए पतले स्टेम के साथ, ये है जुकनी का मेल फूल। ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये मेल फूल है। आप देखिए इसके पीछे कोई भी जुकनी जैसी चीज़ नहीं लगी है और इसके अंदर हमें पॉलन मिलेंगे। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो आप देख रहे हैं ये फूल है फीमेल फूल, ये जुकनी का फीमेल फूल है, ये देखिए। और इसके अंदर होता है यहाँ पर स्टिग्मा, जहाँ पर हम हैंड पॉलिनेट करेंगे अभी। और पीछे आप देखेंगे तो ये देखिए जुकनी जैसी हमें लगी हुई दिख रही है यहाँ पर।
और इस समय जब आप दोनों फूल खिले देखें तो आपको करना होता है इसमें हैंड पॉलिनेशन। हैंड पॉलिनेशन आप करेंगे तो ये सबसे बड़ा सीक्रेट है, अगर आप जुकनी की ज़्यादा पैदावार चाहते हैं या आप चाहते हैं आपके जुकनी के जो फूल हैं, जो फीमेल फूल हैं, ऐसे छोटे छोटे फल खराब ना हो। तो इसके लिए हमें हैंड पॉलिनेशन करना होता है। हैंड पॉलिनेशन हम कैसे करेंगे उसकी मेथड बता देता हूँ। तो सबसे पहले इस तरह से कोई भी आप मेकअप ब्रश ले लें या फिर जो एयरबड्स होती हैं आपको उन्हें लेना है। फिर हम लेंगे जो हमारे मेल फूल है, इससे हमें लेना है पॉलन। अब पॉलन कैसे लेंगे तो देखिए इस तरीके से हम लेंगे, आप ये देख सकते हैं, देखिए येलो कलर के हमने ले लिए हैं ये पॉलन, और इन्हें हमें ले जाना है हमारे जुकनी के फीमेल फूल में, और जो स्टिग्मा है इसी स्टिग्मा में हम यहाँ पर देखिए इन्हें इस तरह से रब कर देंगे, लगा देंगे। इस तरह से आपको पॉलन लेने हैं मेल फूल से और फीमेल फूल के स्टिग्मा पर लगा देने हैं। ये आपका हैंड पॉलिनेशन हो गया। अब यहाँ से ये फूल पॉलिनेट हो जाएगा और उसके बाद ये जुकनी दूसरे दिन से ही आपको बढ़ती हुई दिखने लगेगी, और लगभग 7 दिन में जुकनी इतनी बड़ी हो जाएगी जितनी बड़ी आप ये देख रहे हैं। इसमें भी मैंने हैंड पॉलिनेशन किया हुआ है। तो लगभग 45 से आप 10 दिन मानिए 55 दिन में जुकनी इतनी बड़ी हो गई और आप अब इसे तोड़ सकते हैं। अब जुकनी को जो तोड़ने का तरीका है वो मैं आपको बता दूं कि जब यह हाफ मैच्योर हो तब आप इसे तोड़ लीजिए, जब इसमें दाने ना बने हों, मतलब बीज ना बने हों, उस समय इसका बेस्ट आपको टेस्ट मिलेगा। तो जैसे अब आप ये जुकनी देख रहे हैं ये बिल्कुल तोड़ने के लिए तैयार है। और इसे तोड़ना कैसे है तो देखिए इसे आप इस तरह से पकड़ेंगे हल्के हाथों से, आपको देखिए मैं आपको इसका स्टेम दिखा दूं, हल्के हाथ से आपको इस तरह से इसे घुमाना है, और इस तरह से जैसे ही आप इसे घुमाएंगे स्टेम से टूट जाएगी। ये देखिए ये जुकनी हमारे हाथ में आ गई है और काफ़ी ज़्यादा इसका वजन है, आप देख सकते हैं लंबाई भी आप देखिए काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी सुंदर है, खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगती है। तो लगभग इतनी बड़ी जुकनी हो जाए तो आप इसे हार्वेस्ट कर लें, इसके बाद यह मैच्योर होने लगेगी, इसमें दाने बनने लगेंगे तो इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं बचेगा। इस तरह से आप जुकनी को तोड़ते जाएंगे तो यहाँ पर फिर आगे ढेर सारी जुकनी लगती जाएंगी, आप देख सकते हैं इस पौधे में, आप देखिए यहाँ नीचे एक जुकनी बन रही है, यहाँ पर बन रही है, पीछे भी आप एक जुकनी देख रहे हैं और इस तरफ भी जुकनी लगी हुई है। तो इसमें बहुत सारी जो जुकनी हैं पौधे में एक साथ लगती हैं और फिर ढेर सारी आपको हर 2 से 3 दिन में एक जुकनी तोड़ने को मिलेगी। अगर आप अपने होम गार्डन में जुकनी को लगाते हैं तो आपको इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत ज़्यादा इसमें डिसीज़ भी नहीं आती हैं और बहुत ज़्यादा स्पेशल कोई केयर नहीं मांगता है। कभी आपको लगे कि थोड़े सा डिसीज़ का आपको इफ़ेक्ट दिख रहा है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे इसमें कर सकते हैं, उससे काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये था आज का वीडियो जुकनी ग्रो करने को लेकर। आज हमने जुकनी उगाने से जो जुकनी उगाने को लेकर जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी वो जानी, जिसमें जुकनी के बीज कैसे लगाएं, जुकनी के लिए मिट्टी कैसे बनाएं, जुकनी के पौधे को किस किस तरह की केयर की ज़रूरत होती है, कौन सी खाद देनी है, हैंड पॉलिनेशन कैसे करना है और जुकनी के बीज कब लगाए जाते हैं, ऐसी ज़रूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। फिर भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स में मैं आपके जो भी कमेंट्स आप करेंगे उसका रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा। तो कमेंट्स ज़रूर करें, आपके जो भी सवाल हैं उन्हें पूछ लें, और अब आप इस गर्मी ज़रूर जुकनी का पौधा उगाएं और अपनी खुद की जुकनी तोड़कर खाएं। और जुकनी के जो बीज हैं वो मिलेंगे वेबसाइट organicbazaar.net में। इसके अलावा भी अगर अभी भी आपके कोई डाउट हैं तो ज़रूर पूछें। जुकनी उगाने का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह से हमारे दूसरे वीडियो भी देखते रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।